सोलन से मंडी से एक ट्रक कर्नाटका की ओर रवाना हुआ था। ये रास्ते में गायब हो चुका है। ट्रक में लगभग 6 लाख रुपए की कीमत की 391 सेब की पेटियां थी। हैरानी की बात यह है कि सेब के आड़ती ने अपना मुंशी ट्रक के साथ भेजा था, लेकिन उसे भी ट्रक चालक चकमा देकर भाग गया है। इस मामले में पुलिस ने शिमला के रहने वाले लायकराम की शिकायत के बाद मामला दर्ज किया है और छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में लायकराम ने बताया कि उसकी दुकान सेब मंडी सोलन में है, दयानंद फ्रूट कंपनी के नाम से। उसने 15 सितंबर को मॉडगिल ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक को बुक किया था। दोपहर के समय ट्रक सोलन से कर्नाटका के गद्दक के लिए रवाना हुआ, लेकिन ट्रक चालक सेब लेकर रास्ते से ही गायब हो चुका है। ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक ईश्वर सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा सेब को कर्नाटका पहुंचाने का जिम्मा लिया गया था। कंपनी द्वारा ट्रक आगे किराए पर लिया गया और उसमें लायकराम का सेब लाद दिया गया और कर्नाटका भेजा गया। ट्रक में लायकराम का मुंशी भी शामिल था, लेकिन उन्होंने पता चला है कि रास्ते में ट्रक के चालक ने मुंशी को बहाने से उतारा और ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। अभी तक उस ट्रक का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत पुलिस को कर दी गई है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। सर, मेरा नाम इंद्रपाल शर्मा है और मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ यहाँ सोलन सब्जी मंडी में। तो यहाँ से 15 तारीख को एक हमारी गाड़ी लोड हुई थी गदक के लिए दयानंद फ्रूट कंपनी से। तो रास्ते में उसकी डेस्टिनेशन पहुंचने की जो तारीख थी वो 19 तारीख थी, वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची, वो रास्ते में कहीं गायब हो गई है। तो इस विषय पे हमने एसपी साहब के पास भी थोड़ी कंप्लेंट करी हुई है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी यहाँ से एक टीम रवाना करेंगे जिससे कि उससे आगे का सॉल्व हो जाएगा। देखिए सर, हमने यहाँ से गाड़ी लोड करके भेजी थी, तो उससे जो है जो हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह हमने पूरे लिए थे उसमें हर एक चीज़ ओरिजिनल हमारे को दी ड्राइवर ने। रास्ते में जाके जो दयानंद फ्रूट कंपनी का बंदा साथ में गया था, मतलब किसी बहाने से उसको उतार दिया और वहाँ से वो गाड़ी लेके फरार हो गए। राजस्थान के हनुमानगढ़ से सर हुआ था ये, जहाँ पे हमारे उस बंदे को उतारा था जी गाड़ी वाले ने। देखिए सर, पैसे देने का दबाव तो है ही है जी, जब ट्रांसपोर्टर की जिम्मेवारी होती है जी गाड़ी की, तो इसमें जब तक अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, अगर जो भी इन्वेस्टिगेशन करके सामने आता है तो उसके बाद वो